बसमीम् अल्लाम फैलो लर्नर्स आज हम लेक्चर नंबर 19 कंज्यूमर बैंकिंग का शुरू कर रहे हैं और तो जैसे कि हमारी प्रैक्टिस रही है लेट्स हैव अ कैप ऑफ लेक्चर नंबर 18 बिफोर वी एक्चुअली टेक अप द रीकैप एज़ आवर प्रैक्टिस आई वाज जस्ट वॉन्डरिंग आपके साथ ये शेयर किया जाए कि इस री का पिछले लेक्चर का हर लेक्चर में फ़ायदा क्या है इट हैज़ बिकम अ मे बी सर्ट ऑफ मेकेनिकल एक्सरसाइज के हम एक रूटीन पे कर रहे हैं और हमने इसको करके आगे बढ़ना है तो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि जब हम री करें तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि उस रिक में हम वी शुड आस्क आस्किंग सम क्वेश्चन एज वेल ऑल दो ड्यूरिंग द होल लेक्चर एंड आफ्टरवर्ड्स द क्वेश्चनिंग प्रोसेस शुड बी देर और जो कहा जाता है कि जो लर्निंग है वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस और उसमें जो क्वेश्चनिंग का जो एलिमेंट है वो अहम है जब तक आप इंक्वायरी प्रोसेस को इनिशिएट नहीं करेंगे तो वो जो लर्निंग है वो इनकम्प्लीट होगी और उसके अंदर वो डेप्थ नहीं आएगी और उसके अंदर वो जो उसका मकसद है वो नहीं होगा तो हमारा ये ख्याल है कि जब हम रिकैप करें तो उसके साथ साथ लेट्स आस्क फ्यू क्वेश्चन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वट वी आर ट्राइंग टू लर्न जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपके में है हमने बात की थी ग्रोथ एजेंडा पे जो एक फाइनेंशियल सर्विसेज़ का या एक कंज्यूमर बैंकिंग का था उसमें हमने आपके साथ फाइंडिंग्स शेयर की थी जो एक इंटरनेशनल कंसल्टिंग और अकाउंटिंग फर्म ने एक सर्वे किया था और उसमें हमने आपको शुरू में बताया कि जो डेमोग्राफिक शिफ्ट्स हैं इन कंट्री स्पेशली लाइक पाकिस्तान उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है फाइनेशल सर्विसज पर और हमने उस जब डेमोग्राफिक शिफ्ट की बात की तो उसमें जो वेस्ट में इस वक्त जो चीज़ बहुत अहमियत अख्तियार कर गई है वो रिटायरमेंट ऑफ द बेबी बूमर्स हैं कि जो वो लोग अब उस एज पे आ गए हैं जिन्होंने आप ये कहें कि लेट फोटीज़ या अर्ली फिफ्टीज़ में अपना कैरियर शुरू किए थे अब वो आके अराउंड टू थाउजेंड टेन उनके कैरियर्स जो हैं वो सिक्सटी प्लस के उसमें जा रहे हैं तो वो जो अब रिटायरमेंट के उसमें आ रहे हैं तो उससे एक बहुत मेजर शिफ्ट आ रहा है उनकी इकोनॉमीज़ में और ख़ास तौर पर इन ए कंट्री लाइक अमेरिका तो इस डेमोग्राफिक शिफ्ट की जब बात हुई तो उसमें हमने बताया आपको कि वहाँ पर जो एस्टिमेट किया जा रहा है कि टू द ट्यून ऑफ टेन ट्रिलियन डॉलर्स का जो एक फाइनेंशियल फ्लो है वो उस उसके, उसके अंदर जनरेट होगा तो दिस से क्वाइट अ सम आप फिर फिगर्स की अनोमिटी पे ना जाएं द पॉइंट इज दिस पर्टिकुलर आस्पेक्ट रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल इंडस्ट्री इज गोइंग टू हैव लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस इन ए कंट्री लाइक अमेरिका एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड इविन जापान तो इसका क्या पाकिस्तान में भी है अब सवाल ये उठता है जो मैंने क्वेश्चन की बात की क्या ये फैक्टर पाकिस्तान में भी इतना ही अहम है जैसे कि हम आगे आपके साथ चल के शेयर करेंगे इवन इंडिया में बात की जा रही है कि बाय 2016 थाउजेंड 113 मिलियन पीपल जो है वो लोग जो है वो रिटायरमेंट उसमें आ रहे होंगे तो अब सोच ना ये है कि क्या इस पर्टिकुलर आस्पेक्ट की पाकिस्तान में भी कुछ इम्प्लिकेशन हैं ज़ाहिर है देखिए हमारी पापोलेशन भी उसी डायनामिक्स से गुजर रही है हमारे आप देखें जो अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि लोग शहरों का रुख करते हैं गाँव से और बहुत गैप है गाँव के उसमें और शहर के उसमें रहन सहन में और दूसरी उसमें और जो हमारी पूरी गवर्नमेंट का हमारी एक एज ए नेशन चैलेंज है कि हैव और हैव नाट्स का जो फ़र्क है वो वाज नज़र आता है और ये पर्टिकुलर आस्पेक्ट भी हम आगे चलकर कर बहुत थोड़ा उसमें वक्त सर्फ करेंगे और इन अगले लेक्चर्स में इसको भी हम कवर करेंगे तो जहाँ ये अब सवाल हुआ हमने रिक कैप के हवाले से डेमोग्राफिक शिफ्ट की बात की तो वी शुड आस्क द क्वेश्चन क्या पाकिस्तान में इस शिफ्ट को किस अंदाज़ से देखा जा रहा है और ख़ासतौर पर जब हम बैंकिंग की बात करते हैं और कंज्यूमर बैंकिंग की बात करते हैं तो हमारे वो जो लीडिंग प्लेयर्स हैं इस इंडस्ट्री में क्या वो इस फैक्टर को भी नज़र मद्देनज़र रख रहे हैं या नज़रअंदाज कर रहे हैं ज़रूरत इस चीज़ की है कि वो इस चीज़ को देखें कि भाई डेमोग्राफिक शिफ्ट ने जो हम सेगमेंटेशन की जब बात करते हैं और सेगमेंटेशन के हवाले से क्लाइंट पोटेंशियल की कंज्यूमर पोटेंशियल की हमने बात की वो ज़रूरी हो जाता है कि हमें अगर इसमें इस चीज़ को हम मद्देनज़र नज़र नहीं रखेंगे इसको हम फॉलो नहीं करेंगे इसके हिसाब से हम रिस्पोंड नहीं करेंगे तो फिर वो यही बात है कि कंपटीशन में हम पीछे रह जाएंगे और जो सोसाइटी की ज़रूरियात हैं और ज़रूरियात के साथ साथ जो फाइनेंशियल नीड्स हैं हम उसको केटर नहीं कर पाएंगे तो ये एक डेमो डेमोग्राफिक शिफ्ट की बात हुई पिछले लेक्चर के बाद इसी लेक्चर में हमने अगर आपको याद हो नॉन लाइफ इंश्योरेंस की बात की थी कि अब ये जो एक आस्पेक्ट है वेस्ट में बहुत और इवन चाइना में एमरजिंग कंट्रीज में भी आ रहा है कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें जब लाइफ स्टाइल्स चेंज हो रहे हैं जब इसमें नए एसेट्स एक्वायर हो रहे हैं और उसके हिसाब से जो फाइनेंशियल uh, फ्लोज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज नए नए प्रोडक्ट्स ला रही हैं और सर्विसेज ऑफर कर रही हैं और कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर रही हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस को क्या पाकिस्तान में भी ऐसा कोई ट्रेंड है अगर ऐसा है या होने जा रहा है तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली कंज्यूमर बैंकिंग के ऊपर भी आएगा तो हमने ये सवाल भी करना है कि जब हम इस आस्पेक्ट को मद्देनज़र लाएंगे तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस के उसको भी देखेंगे उसके बाद अगर आपको याद हो फिर हमने छ इम्पेरेटिवस की बात की छः इम्पेरेटिवस में यही था कि जो प्लानिंग होनी चाहिए आ, ग्रोथ स्ट्रेटजी में एनालिसिस होनी चाहिए और उसको ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना चाहिए और उसको एक स्पीड के साथ एक्सिक्यूट करना चाहिए क्योंकि तो आम तसर ये है कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं और उसको एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें टाइम लगता है और देन यू गो टू तो द मार्केट तो इस चीज का भी सर्वे के अंदर सामने आया कि वो उसकी इंप्लीकेशन क्या हैं फिर हमने इसमें बात की थी कंज्यूमर कस्टमर के साथ भी क्लोज टू द कस्टमर हमने टेक्नोलॉजी की बात की थी हमने एम्प्लॉ इंगेजमेंट की बात की थी तो क्या ये सारे एम्पेरेटिव जो हैं अब सवाल ये उठता है जो मैंने आपसे शुरू में कहा हाउ द इंक्वायरी प्रोसेस शूड मूव फॉरवर्ड इन दीज एरियाज पहली तो ये है क्या इन एम्पेरेटिव में आपस में कोई लिंकेज है या वो सेपरेटली अगर आप देखें इसको गौर करें एनालाइज करें तो मेरे ख्याल से लिंकेज इस्टेबलिश होते हैं क्या आप ये सारे इम्पेरिटिवस इम्प्लीमेंट इन आइसोलेशन नहीं करेंगे देर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ लिंकेज इंटर डिपेंडेंसीज एंड फॉर दैट मैटर फिर जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका जो इफेक्टिवनेस सामने आएगी हमने जब क्लोज़र टू द कस्टमर की बात की थी तो हमने उसमें ये कहा था के जो मुख्तलफ़ दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं अदर दैन फाइनांस लाइक म्यूज़िक और फैशन उनके अंदर बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ आती हैं और वो इन तब्दीलियों को किस हद तक किस स्पीड के साथ इनकॉपोरीट करते हैं अपने कस्टमर्स की डिमांड्स और चेंजिंग नीड्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए तो अब सवाल यहाँ वही होता है कि क्या हम जब कंज्यूमर बैंकिंग की स्टडी कर रहे हैं हम थोड़ा सा गौर करें इन इंडस्ट्री के इन इंडस्ट्री के डायनमिक्स क्या हैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए फिर हमने इसमें टेक्नोलॉजी की बात की थी कि उसका जो इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है इसको अगेन हमने ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना बल्कि हमने सवाल करना है हमने इंक्वायरी प्रोसेस को इनिशिएट करना है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये किस हद तक हेल्पफुल है जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ टेक्नोलॉजी बल्कि ये एक एनेबलर है वो किस तरह हमें हेल्प करेगा इस ग्रोथ एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको अफेक्टिव बनाने के लिए इसके साथ साथ अगर याद हो हमने जो आपको कहा कि जो एम्प्लॉज़ इंगेजमेंट की बात है कि जो टेलेंट है उसको हम किस तरह नर्चर करेंगे उस टेलेंट को हम किस तरह ग्रूम करेंगे और स्टाफ के हवाले से ये अहम है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी अहमियत अख्तियार कर जाए लेकिन जो ह्यूमन आस्पेक्ट है उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते तो यहाँ वही सवाल होता है कि वी हैव टू इंक्वायर अच्छा यहाँ जो एक चीज़ अहम है क्वेश्चनिंग के हवाले से क्वेश्चनिंग शुड नॉट इन दी सेंस ऑफ जस्ट क्वेश्चनिंग इट शुड बी विदर्पज ऑफ हैविंग ग्रुप सिचुएशन में तो और भी ज्यादा अहमियत होती है कि आप क्वेश्चनिंग का जो आपका आस्पेक्ट है वो थ्रेटनिंग नहीं होना चाहिए जिसको कहते ना कि आप किसी को क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें एक एलिमेंट है इंटीमिडेटिंग है कि, है कि आप उसके उस पर सॉर्ट ऑफ डाउट कर रहे हैं उस पर बल्कि ग्रुप सिचुएशन में जो डायलॉग का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि यू हैव टू नॉट ओनली एडवोकेट योर व्यू पॉइंट बल्कि यू हैव टू एंक्वायर एज वेल और डायलॉग इज़ ए टू वे प्रोसेस इट्स एन आइटेरिएटिव प्रोसेस और इसका मकसद ये होता है कि आप एज ए कोलाबोरेशन एज ए कम्बाइंड एफर्ट्स आप जो है इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं आप बैलेंस करते हैं एडवोकेसी और इंक्वायरी को और उसमें जो एक फिर प्रॉब्लम्स जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं उसका जो सोल्यूशन एमर्ज होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम थ्रू द प्रोसेस ऑफ डायलॉग वो मोर अफेक्टिव होता है बजाय इसके ये कि मोनोलॉग उस पर किया जाए तो जो हम थ्रू आउट ये जो सिचुएशन है क्योंकि हम जब लिविंग सिस्टम्स की बात कर रहे हैं इसमें ग्रुप डायनामिक्स हैं इसमें टीम्स का कॉन्सेप्ट है तो इसमें ये डायलॉग का इंपॉर्टेंट है और उसमें जो क्वेश्चनिंग का कॉन्प्ट है इट शुड बी एट द स्पिरिट ऑफ क्वेश्चनिंग शुड बी टू लर्न कलेक्टिवली टू लर्न इंडिविजुअली

तो ये जो हमने रिकैप लिया और साथ साथ में हमने कुछ क्वेश्चन किए तो दिस इज शुड बी आवर एंडवर इन फ्यूचर लेक्चर एज वेल और दिस इज़ विल बी माई रिक्वेस्ट टू यू एज वेल कि जब आप इस प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं तो देर शुड बी क्वेश्चन इन योर माइंड और जो मैंने ये कुछ क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए ऑब्वियसली दीज आर नॉट द ओनली क्वेश्चन देर मे बी नंबर ऑफ क्वेश्चन विच मस्ट बी कमिंग इन टू योर माइंड तो इसको भी आप जहन में रखें और जब इस लर्निंग प्रोसेस में आप आगे बढ़ते हैं तो एलिमेंट ऑफ क्वेश्चनिंग को जहन में रखें तो कि इसमें जो अहम चीज़ है कि जो लर्निंग प्रोसेस है फिर वो बड़ा एक तरह से डायनामिक हो जाता है उसके अंदर एक तरह से आप कह लें कि ज़िंदगी पैदा हो जाती है और वो जो एक रोट लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है कि आप मैकेनिकल वे में आप सॉर्ट sort ऑफ of एक बताए हुए उस पर चल रहे हैं वो फिर ख़त्म हो जाता है तो इस चीज़ को मद्दनज़र रखते हुए ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम क्वेश्चनिंग के एरिया को अपने उसके अंदर इनकलकेट करें और हम ये कोशिश करें कि जब हम लर्निंग प्रोसेस में आते हैं तो हमारे जहन में जो क्वेश्चंस होते हैं हम अपने आप से ये क्वेश्चंस करें अपने साथियों से करें और जो दूसरे रिसोर्स हैं जहाँ इस चीज़ की पॉसिबिलिटीज है कि आपको याद रखिए यहाँ पर क्वेश्चन करके आंसर सीख करना नहीं है यहाँ मकसद ये यह है कि अगर आपको कहीं आंसर मिल गया तो एट टाइम्स ये देखा गया कि आंसर

और हम उम्मीद करते हैं और हमारी कोशिश होगी आपके साथ मिल के कि इस प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनिंग ऑफ इंक्वायरी शुड बी ऑन ऑन गोइंग बेसिस एंड वी शुड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस इन आवर लर्निंग एंड उसमें बैक एंड फोर्थ का कॉन्सेप्ट है और उसमें यह कि अगर हमने जो पीछे चीज़ें पढ़ी हैं उसको हम मौजूदा उसके साथ किस तरह रिलेट कर सकते हैं और जब आइंदा चीज़ें सामने आएंगी तो हम उसको पर्स्पेक्टिव को किस तरह लेंगे और अगर आपको याद हो हमने बहरा इस चीज़ को कोम्फोसाइज किया है कि आवर एंडेवर शुड बी टू हैव वेरियस परस्पेक्टिव उसमें फ़ायदा यह है कि इसका जब हम बात कर रहे हैं जब लर्न कर रहे हैं तो हम सिर्फ एज ए बैंकर बात नहीं कर रहे हैं। हम एज ए लर्नर बात कर रहे हैं और एज ए लर्नर बात कर रहे हैं तो हमने बैंकिंग के परस्पेक्टिव को भी लेना है हमने कंज्यूमर्स के प्रस्पेक्टिव को भी लेना है हमने रेगुलेटर्स के कंसप्टस्पेक्टिव को भी लेना है हमने सोसाइटी के जो दूसरे एरियाज हैं उसके प्रस्पेक्टिव को भी लेना है तो इसको जब हम मद्देनजर रखेंगे प्रस्पेक्टिव्स को तो आप देखेंगे कि जो कंज्यूमर बैंकिंग का ये सब्जेक्ट है ये जो लर्निंग है होपफुली तो इसके अंदर वो मकसदियत आ जाएगी इसके अंदर वो एक अफेक्टिवनेस आ जाएगी जो कि रिक्वायरमेंट है किसी भी कोर्स की अब इस ब्रीफ़ रिकैप और ब्रीफ रिकैप के हवाले से आ, हम अब आगे बढ़ते हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कैप्चरिंग कंज्यूमर फाइनेंस अपॉर्चुनिटीज इन एमरजिंग मार्केट्स जैसा कि हम सब जानते हैं इमरजिंग मार्केट का कॉन्सेप्ट आजकल काफ़ी वो है और एक चीज़ जो बहुत रेगुलरली और बहुत कंसिस्टेंटली मेंशन की जा रही है वो ब्रिक कंट्रीज़ के मुतालिक है ब्रिक कंट्रीज जो हैं बी आर आई सी ब्राज़ील रशिया इंडिया एंड चाइना दीज फोर कंट्रीज़ आर कॉल ब्रिक कंट्रीज एंड दीज आर इमर्जिंग मार्केट्स इमर्जिंग जॉन्ट्स और बल्कि आपने रिसेंटली देखा होगा जो जी ट्वेंटी की जो कॉन्फ्रेंस हुई है अब उसमें जी सेवन के बाद इन्होंने इन एमरजिंग मार्किट्स को जिसमें इन चार के अलावा साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया कनाडा भी शामिल हो गए हैं अब ये जो एक आप कह लें कि जो ग्रुप था जो क्लब था जी सेवन का इट हैज़ नाउ एक्सपेंडेड टू जी ट्वेंटी तो इसकी अहमियत जो जी सेवन में तो सारे डेवलप्ड कंट्रीज थी जो एमरजिंग uh, से डिफरेंट हैं तो एक तो कॉन्सेप्ट हमारे आपके जहन में इमरजिंग मार्केट्स का होना चाहिए कि अब इमरजिंग मार्केट्स हैं क्या जब हमने देखा इन कंट्रीज़ की बात की और यहाँ पर जब एशिया में हम दूसरी इमरजिंग मार्केट्स में आते हैं तो ऑबियसली वी कंसिडर ऑल्सो नॉट वी बल्कि दुनिया कंसिडर करती है पाकिस्तान को ऑल्सो एज ए इमरजिंग मार्केट फिर जो आप इस फार ईस्ट की तरफ चले जाएँ उसमें इंडोनेशिया है उसमें मलेशिया है उसके अंदर थाईलैंड है दीज आर द इमरजिंग मार्केट्स एज वेल देखना यह है कि इन इमर्जिंग मार्केट्स में इंक्लूडिंग इंडिया पाकिस्तान एज वेल एंड इवन बांग्लादेश फॉर दैट मैटर कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं कंज्यूमर बैंकिंग की क्योंकि जब हमने ग्रोथ एजेंडा की बात की थी फाइनेंशियल सर्विसेज की और उसमें तो ये चीज़ हमने जहन में रखनी है कि वी आर ऑपरेटिंग इन ए वेरी डायनामिक सोसाइटी इन ए वेरी डायनामिक इन्वायरमेंट और हमने जो एक मैक्रो इकनॉमिक फैक्टर्स हैं जो ओवरऑल सोसाइटी के जो ओवरऑल इकॉनमी के उनको भी मद्देनजर रखना है तो जब हम ये बात करते हैं कंज्यूमर बैंकिंग की अपॉर्चुनिटीज़ की इमर्जिंग मार्केट्स में तो उसमें पहला सवाल यही उठता है कि क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं अपॉर्चुनिटीज का लेवल क्या है उसका एक्सटेंड क्या है उस अपॉर्चुनिटीज़ को इनकैश करने की पॉसिबिलिटीज क्या हैं तो ये सवाल जैसे भैया मैंने आपसे कहा आपके जोनों में आने चाहिए तो इसमें ये देखा गया है कि एमरजिंग मार्किट्स में एपेटाइट बहुत है और बल्कि जो रिसर्च सर्वेस और जो स्टडीज हुई हैं इन मार्केट्स की उन्होंने ओवर ए पीरियड इस चीज़ को देखा है कि ये ग्रोथ जो थी 15 टू 20 टू 25 परसेंट थी इन मार्केट्स के अंदर और एपेटाइट जो था वहाँ के कंज्यूमर्स का वहाँ के जो मिडिल इनकम ग्रुप या लोअर इनकम ग्रुप का टू हैव द फाइनेशियल सर्विसज कंज्यूमर लोन्स क्रेडिट कार्ड्स और दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपेटाइट बहुत स्ट्रॉग है अच्छा इसके साथ साथ सारे चैलेंजेस भी हैं हमने बाहर इस चीज़ का जिक्र किया चैलेंजेस क्या हैं कि कंज्यूमर मार्केट में जो बैंकिंग है उसके अंदर ट्रांजेक्शन की जो अमाउंट हो है, वो बहुत स्मॉल होती है इससे वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस फिर बहुत से लोगों का बैंकिंग अकाउंट या बैंकिंग एक्सेस नहीं होता तो ऐट टाइम्स जो जो पार्टिसपेंट्स हैं मार्केट के और ये इसकी अपलिकेशन पाकिस्तान में भी होती है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन या इंसेंटिव फील नहीं करते इस पर्टिकुलर सेगमेंट में एंटर होने का लेकिन जब रिसर्च और स्टडी में देखा गया कि जो इसके जो ये चैलेंजेस हैं या इसकी जो कॉस्ट है इसके को मद्देनजर रखते हुए जब इसके जो बेनिफिट सामने आते हैं दे फार आउट वे द कॉस्ट एंड दोज ऑफ कंस्टेंट्स जो कि इसमें अपरेंटली नजर आते हैं और बल्कि ये कहा गया है कि ड्यू टू द ग्रोथ लेवल ये जो इसके अंदर कॉन्स्टूंट्स हैं वो एक तरह से इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं लेकिन उसको ज़ाहिर आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते साथ साथ जब इसके जो स्टैट्स सामने आए हैं जो लैटिन अमेरिका की जो अमरजिंग मार्केट्स हैं लाइक मैक्सिको ब्राज़ील और जब हम इस तरफ आते हैं तो उसमें देखा गया है कि वहाँ पर जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उनकी एज़ कम्पेयर टू अदर सेगमेंट्स वो बहुत लो है और जहाँ जो इंपॉर्टेंट बैरोमीटर जो खिलाया जाता है किसी भी बैंकिंग सेगमेंट में जिसको हम नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं

जॉब नहीं है कि आपने किसी को देखा और बैंड वैगन है जिसके अंदर आप एक तरह से कूद पड़े और आपने कहा कि भाई इसमें फ़ायदा हो रहा हो तो उसके लिए बहुत प्लानिंग की ज़रूरत है और बहुत अपने स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत है स्टाफ को उसी हवाले से चेंज करना है प्रोडक्ट्स आपने डेवलप करने हैं लेकिन बात यह है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ की जब हमने बात की तो स्टडीज़ ने प्रूव किया कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं अब आपने उनको कह अनकैश कैसे करना है उसके चैलेंजेस क्या हैं उसको जहा आपने मद्देनज़र रखना है फिर ये देखा गया है कि इन अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से जो इसका कंपैरिजन अगर एमरजिंग मार्केट्स का देखें तो जो ग्रोथ का जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम है मे बी एपसल्यूट नंबर्स वेरी करेंगे जैसे अगर कहा गया है कि वहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम जो एज़ कम्पेयर टू द ओवरऑल वो फिफ्टी परसेंट है तो यहाँ की जो इमरजिंग मार्केट्स हैं जिसमें इंडिया भी शामिल है और उसके अंदर थाईलैंड मलेशिया और इंडोनेशिया है वो टू द एक्सटेंट ऑफ ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट है फिर इसी तरह जो ग्रोथ का जो लेवल आप कह रहे थे हम लोग के वो वहाँ पर था वो यहाँ पर वो नहीं है लेकिन अकॉर्डिंगली और यहाँ ऑपरेटिंग कॉस्ट भी उसी हिसाब से कम है यहाँ पर लेबर का जो एक कॉन्सेप्ट है और दूसरी चीज़ें हैं जो कि एक कॉस्ट स्ट्रक्चर का मेन इंग्रेडिएंट होती हैं वो यहाँ पर लैटिन अमेरिका या दूसरी इमर्जिंग मार्केट के मुकाबले में यहाँ की कंट्रीज़ को जो जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है उसको एडवांटेज है तो देखो हम कॉस्ट फैक्टर को देखें तो एट द एंड ऑफ द डे और वो पैटर्न जो सामने आता है इमर्जिंग मार्केट्स में इस चीज का कि जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो बहुत हेल्दी है और वो सस्टेन कर सकती है इस चीज़ को कि आप इस सेक्टर के अंदर अगर एज ए एक्टिव प्लेयर एंटर होना चाहते हैं और आप इसके अंदर एक अपना नीच डेवलप करना चाहते हैं और आप कंपटीशन के हवाले से एक कंपेटिटिव एडवांटेज डिराइव करना चाहते हैं तो पॉसिबिलिटीज आर देयर अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर और ये जनरलाइज्ड बेसिस पे नहीं है जैसे कि इन फिगर्स ने प्रूव किया और उसके साथ साथ यहाँ पर हमने अगर आपको याद हो स्टेट बैंक ने जो कंज्यूमर पाकिस्तान की इंडस्ट्री के हवाले से कुछ फिगर्स आपसे शेयर किए थे स्टेट बैंक के उसमें जो एक अहम फैक्टर था कि जो डिफॉल्ट रेट है इसका वो बहुत नॉट मोर देन फाइव परसेंट जो कि एज कम्पेयर टू अदर सेगमेंट्स ऑफ द बैंकिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड इज ए वेरी आई मीन एक्सेप्टेबल फिगर इफ इट इज़ नॉट बियॉन्ड फाइव तो ये जो स्टैट्स हैं ये जो फिगर्स हैं ये जो फैक्ट्स हैं इस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि ऑन ग्राउंड जो चीज़ें हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं और कंज्यूमर बैंकिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो बैंक इसके अंदर वेंचर करना चाहते हैं जो इसके अंदर आना चाहते हैं उनके लिए एक प्लेइंग uh, फील्ड है अब दूसरा सवाल होता है कि इसको किस तरह किया जाए उसके अंदर जरूरत फिर उस चीज़ की आती है कि यू हैव टू अप्रोच दिस थिंग इन ए वेरी सिस्टमेटिक मैनर और ये सिर्फ ये नहीं है कि जिसको आप कहते हैं कि देखा देखी के फ्लाँ कर रहा है और उसको एडवांटेज है और इसमें जो सबसे अहम चीज़ है कि आपने अपनी लोकल कंडीशंस को मद्देनजर रखना है आपने लोकल कंडीशंस को ओवरलुक नहीं करना ये हमारे नेबरिंग कंट्री और इवन कंट्रीज़ लाइक जो अभी मेंशन किए गए आपको फार ईस्ट की वहाँ ये देखा गया है कि जो लीडिंग इंटरनेशनल बैंक्स हैं उन्होंने जहाँ उनके पास डेवलप्ड अपनी जो होम Uh, आप कह लें कंट्रीज़ की एडवान्टजेस थी उनके डेवलप्ड प्रोडक्ट्स थे डेवलप्ड सिस्टम्स थे उनका डेवलप्ड स्ट्रक्चर था उनकी डेवलप्ड प्लानिंग थी उन्होंने इन मार्केट्स के हिसाब से अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट किया और तो देखा गया है कि जो लीडिंग बैंक्स थे उन्होंने लोअर एंड ऑफ द मार्केट अगर ये कह दें कि अगर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी ये ट्रेंड नहीं आया और ये देखा गया है कि जो मेजर बैंक्स हैं और मेजर फॉरन बैंक हैं वो रिलक्टेंट होते हैं इस लोअर एंड ऑफ द मार्किट को आ, एक तरह से टैप करने के लिए और उनका जो कंसनट्रेशन है वो मेजर सिटीज़ लाइक like कराची इस्लामाबाद लाहौर और उसके अलावा जो सेकेंड ट्रर सिटीज़ हैं शयालकोट पेशावर मुल्तान इस तरफ वो जाते हैं लेकिन बात यह है कि इस एरिया के अंदर पोटेंशल है आपको ज़ाहिर है उसको टैप करने के लिए अकॉर्डिंगली कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे इवन जो हमारे जो मेजर बैंकस हैं उन्होंने भी उस हद तक इस सेक्टर को इस सेगमेंट को आप ये कह लें कि वो उसको रिस्पांस नहीं दी जो देनी चाहिए थी ऑल दो अगर आपको याद हो वही स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया था कि अर्ली नाइन्टीज़ में पाकिस्तान में एक फॉरेन बैंक ने इनिशिएटिव लिया था एक कंज्यूमर प्रोडक्ट के क्रेडिट कार्ड के हवाले से जो कि सब्सिक्वेंटली लेट नाइन्टीज़ और उसके बाद अर्ली टू और टिल नाउ उसमें जो ये चीज़ सामने आई कि जो प्रोडक्ट्स डिवेलप हुए वो उन्हीं लाइंस पे हुए कि जी कंज्यूमर बैंकिंग का जो इस वक्त पाकिस्तान में फ्रैंकली कॉन्सेप्ट है अगर आप जाएं और ये देखें कि ये कॉन्सेप्ट क्या है तो लोग ये समझते हैं कि कंज्यूमर बैंकिंग का मतलब है ऑटो लोन्स पर्सनल लोन्स क्रेडिट कार्ड्स या फिर ये कि मॉर्गेजेस हालांकि अगर हम इन आगे भी आपके साथ ये शेयर करेंगे कंज्यूमर और रिटेल बैंकिंग इज़ बियॉन्ड दैट बल्कि इसमें जो ज़रूरत इस चीज़ की है कि अगर हम कंज्यूमर बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग की डेफिनेशन को मद्देनज़र रखें तो हम अपने आप को फिर आप कह लें कि बाउंड्री के अंदर बंद कर लेंगे हमेशा ये चीज़ देखी गई है और हमने अगर आपको याद हो डेफिनेशन के वक्त या बात आपसे कही थी कि हमें डेफिनेशन की वजह से अपने आप को बाउंड्रीज़ के अंदर बंद नहीं कर लेना चाहिए लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है अगर आप देखें ग्लोबली और ये फिनमिना आिस्सा आिस्ह इधर भी आज नहीं तो कल पाकिस्तान में भी इसकी प्रेवलेंस होगी कि कंज्यूमर रिटेल बैंकिंग एसएमई बैंकिंग इवन माइक्रो फाइनेंस, इसके अंदर ओवरलैपिंग है और ये वो एरियाज हैं बैंकिंग के कंज्यूमर बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग एसएमई बैंकिंग एंड एस माइक्रो फाइनेंस ये उस सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन को कवर करते हैं जो कि मेजोरिटी है हमारे यहाँ आगे चल के हम तफसी से इस आ, आस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे कि सारी दुनिया में इस वक्त इसको जो नेक्स्ट फ़ोर बिलियन कंज्यूमर्स की बात की जा रही है उसके अंदर वन बिलियन कंज्यूमर्स हैं जो कि बैंकिंग के उसमें आते हैं तो ये बहुत एक ह्यूज फील्ड है और एक यहाँ पर वही सवाल उठता है कि अगर हम कंज्यूमिंग कंज्यूमर बैंकिंग की स्टडी कर रहे हैं तो क्या हम इस सेगमेंट को ये सोच के नजर नज़रअंदाज कर दें कि ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है यहाँ बात कोर्स का हिस्सा होने की बात नहीं हो रही बल्कि हो रही है कि हमने अगर एक ओवरऑल इम्पैक्ट लेना है हमने अगर एक मैक्रो व्यू लेना है तो उसके अंदर इन सेक्टर्स का जानना बहुत ज़रूरी है इसीलिए हमने कोशिश की है अपने अगले लेक्चर्स में कि इन एरियाज़ को हम आपके साथ कवर करें और उसकी कुछ डिटेल्स इसकी कुछ इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करें इसलिए कि इसके अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी ये जो आप ये कह लें कि स्टडी है और ये हमारा लर्निंग प्रोसेस है ये इनकम्प्लीट रहेगा हमने हम आइसोलेशन में यहाँ ऑपरेट नहीं कर रहे हम हमें सोसाइटी का हिस्सा हैं और हमने उसी हिसाब से अपने आप को अपने एक्शंस को अपने उसको अफेक्टिव बनाना है तो हम अब बात यहाँ यही कर रहे थे जो बात हम थोड़ी सी तफसील में चले गए कि अब इन अपॉर्चुनिटीज़ के बाद क्या होना चाहिए बैंक्स को क्या करना चाहिए जो एमरजिंग मार्केट में जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है तो देखिए इसमें ज़रूरत अब इस चीज़ की है कि बैंक्स को अपनी यहाँ जैसे कहा गया कि लोकल कंडीशनस को मद्देनज़र रखते हुए अपने ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर्स को अपनी जो उनके मार्केटिंग कंपेन्स हैं अपनी प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट है इसमें उसको उनके अंदर तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत नहीं है कि वही आप सिस्टम वही सेटअप जो अगर हम पाकिस्तान में प्रेवलेंट है ब्रांच बैंकिंग का जिसमें आप केटर कर रहे हैं आप कमर्शियल बैंकिंग के कस्टमर्स को भी आप कॉर्पोरेट बैंकिंग के कस्टमर्स को भी और उसके साथ साथ एस को भी और यहाँ अब तो पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग का भी कॉन्सेप्ट आ गया है तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि एक डेडिकेटेड सेटअप कंज्यूमर बैंकिंग का होना चाहिए जो कि इस सेगमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको फुली एक्सप्लॉय कर सके रिसोर्स जो हैं ऑप्टिमाइज़ हो सकें ऑप्टिमाइज तरीके पर डिप्लॉय हो सकें और रिसोर्स की जब हम बात करते हैं और अब आप आपके जहन में बिज़नेस मॉडल का कॉन्सेप्ट आना चाहिए उसमें आपके ह्यूमन रिसोर्स भी शामिल हैं उसमें आपके फ़िज़िकल रिसोस भी शामिल हैं उसमें आपके कोर प्रोसेस भी शामिल हैं तो उनका ऑप्टोमाइजेशन बहुत ज़रूरी है उसके बगैर आप जिसे कह लें कि सिर्फ ये सोच के कि अच्छा जी कुछ बैंक कर रहे हैं तो हमने भी करना है ये यहाँ पर एक्चुअली देखा गया है और उसका नतीजा ये है कि अब जैसे जो डाउन ट्रन आया है तो उसमें बहुत से बैंक हैव बीन फ्रेंकली काट काट ऑफ गार्डेड उनको जो इस चीज़ के लिए वो प्रिपेयर नहीं थे और देखा गया है कि अब बहुत से इस वक्त वैंक्स ऑबियसली विद नॉट विदाउट नेमिंग दैम उनका जो इस वक्त कंज्यूमर बैंकिंग का सेटअप उन्होंने ड्रेस्टिकली कटेल किया गया है Uh, they are simply waiting, और ये चीज़ स्टेट बैंक की उस रिपोर्ट में भी बताई गई थी कि दे आर सिम्पली वेटिंग फॉर द इकॉनमी टू टेक अ टर्न अराउंड टू कम अपट दे कैन अगेन तो ये जो एक अप्रोच है कि डाउन टर्न में आप करतेल कर दें यह आए वन मस्ट हैज टू से वो बड़ी शॉर्ट टर्म अप्रोच है और ये जो एक अगर प्लानिंग की गई थी उसके अंदर एक आप ये कह लें कि नाकस प्लानिंग थी और उसके अंदर इन जो सिक्लिकल uh, जो आप मूवमेंट कहते हैं इकॉनमी की उसको मद्देनज़र रखने दिया गया था और इस वक्त अगर आप इसको प्योरली बिजनेस फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जिन्होंने अपने ये रिसोर्स का टेल किए हैं उनके जो बहुत से फ़िक्स्ड जो रिसोर्स जो ऑलरेडी वहाँ पर प्लेस्ड हैं वो तो इसका मतलब वो वेस्टेज हो रहा है उनका वो उसका वो नहीं कर सकते आज या तो अगर वो डिसाइड कर लें कि इवन वो जो उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है जिसमें फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट है और उसमें जो वेरिएबल कॉस्ट तो उन्होंने चलिए कटेल कर दी लेकिन अगर फिस कॉस्ट को आज वो कटेल करते हैं या उसके साथ आप अंडू करते हैं तो कल को क्या करेंगे क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी नहीं रहनी और जैसे कि एलिमेंट्स uh, आप कह लें कि जो साइंस आना शुरू हुए हैं कि दुनिया में जो इकोनॉमिक जो आप कह लें स्लो डाउन था वो स्लो डाउन एक्चुअली अब टर्न अराउंड हो रहा है और जो डेवलपिंग डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं उनके अंदर एक तरह से अब रिसेशन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और इसका इम्पेक्ट जाहिर है जब पाकिस्तान पर भी आया था पाकिस्तान की बैंकिंग सेक्टर पर भी आया था तो वो इम्पेक्ट जाहिर है अब ख़्याल है कि जब कम होगा तो दोबारा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो इसके लिए ज़रूरत है कि बैंक किस हद तक अपने आप को तैयार रखते हैं जब हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं कंज्यूमर बैंकिंग की इमर्जिंग तो अभी आप कह सकते हैं कि अभी तक हमने जो चीज़ें डिस्कस की हमने एक मार्केट को टेस्ट किया कि मार्केट क्या है अभी तक ट्रेंड क्या रहे हैं और आने वाले वक्तों में ट्रेंड क्या होगा और उसमें हमने थोड़ा सा पाकिस्तान का भी जिक्र किया कि पाकिस्तान में देखिए जब बेस कम होती है किसी चीज़ की तो उसमें ग्रोथ रेट बहुत आपको हाई मिलता है लेकिन कल को जैसे जैसे ये बेस बढ़ेगी तो वो ग्रोथ रेट कम होता जाएगा देखा गया है कि यह बेस जो कि एक लोअर बेस से शुरू किया था तो उसमें ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा था और इसकी मिसालें इन कंट्रीज में हैं कि बीस पच्चीस का ग्रोथ था लेकिन कहा जा रहा है कि अगले पाँच से दस सालों में ये ग्रोथ रेट बेस बढ़ने की वजह से दस बारह से पंद्रह परसेंट के रेंज में आ जाएगा जो कि एक सिंपल रिथमेटिकल आप कह लें कि एक फनमुना है तो पाकिस्तान का भी अभी बेस चुप के वो है तो इसमें ग्रोथ वो है आपको नज़र आती है लेकिन हमने इसको भी मद्देनज़र रखना है कि कल को जब ये बेस और डेमोग्राफिक शिफ्ट्स की हमने बात की और अर्बनाइजेशन की बात की तो ये कॉन्सर्ट सामने आ जाएगा तो अब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से क्या होना चाहिए तो देखा ये गया है इन इमर्जिंग मार्केट्स में विद दी ऑफ इक्वल एप्लीकेशन इन पाकिस्तान केस एज वेल के जो बैंक्स हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनकी स्ट्रेंथ्स कहाँ लाए करती हैं वो हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेंथ्स वो उनकी हैं जो क्रेडिट असमेंट की स्ट्रेंथ्स तो ये वो एरियाज हैं जिसकी वजह से वो अपने इस ऑपरचुनिटीज़ को एक्सप्लॉड कर सकते हैं वो अवेल कर सकते हैं लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि अब वक्त की ज़रूरत है और इवन डेवलप्ड कंट्रीज़ ने इस चीज़ को शुरू किया है और उसकी इक्वल अप्लीकेशन एमरजिंग मार्केट्स में भी हो रही है कि वो जो वैल्यू चेन का जो कॉन्सेप्ट है उसके आप वैल्यू चेन के जो मुख्तलिफ कॉम्पोनेंट्स हैं आप सारे एज ए बैंक ख़ुद हैंडल नहीं कर सकते यू हैव टू आउटसोर्स सर्टन थिंग्स तो इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जो कि कंज्यूमर बैंकिंग की अपॉर्चुनिटीज़ का है बैंकों को चाहिए कि वो अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन की और उनकी क्रेडिट इसेसमेंट की और उनकी जो कैपिटल जो उनके पास अवेलेबल है कंपेटिटिव रेट्स के इसको कॉम्प्लीमेंट करें उन उनके साथ जो आ, दूसरे प्लेयर्स हैं इस मार्केट के अंदर यहाँ पर जो इन हमने कंट्रीज़ की बात की वहाँ पर एक फाइनेंस कंपनी का कॉन्सेप्ट और रिटेलर्स का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है इन इकोनॉमीज़ में जिसमें इंडोनेशिया मलेशिया और थाईलैंड और टू द एक्सटेंट इंडिया भी शामिल है वहाँ पर चूंकि जो पॉपुलेशन है अर्बन और ख़ासतौर पर रूरल वहाँ छोटे छोटे स्टोर्स हैं छोटे छोटा जो तो पूरा एक वाइड और बहुत एक जो सेटअप है उसमें बैंक अगर इवन फिज़िकली भी चाहें अपनी ब्रांचेस से वो उन सबको को कैटर नहीं कर सकते तो स्ट्रेंथ्स को कॉम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है डिस्ट्रीब्यूशन के उसके उसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान में भी बैंकों को चाहिए कि अपनी इन स्ट्रेंथ्स को कंबाइन करें उस स्ट्रेंथ्स के साथ जो रिटेलर्स की और फाइनेंस कंपनीज के जो कि लोअर एंड ऑफ द मार्केट को हैंडल करते हैं यहाँ इस चीज़ का बताना जरूरी है कि पाकिस्तान में फाइनेंस कंपनीज का अनफॉर्चुनेटली कॉन्सेप्ट बहुत नेगेटिव है और इसमें जो कुछ पिछले दिनों पिछले वक्तों में अर्ली मिड नाइन्टीज़ में जो एपिसोड्स हुए थे उसकी वजह से एक बहुत नेगेटिव uh, एक चीज़ uh, जहन में आती है फाइनेंस कंपनी की हालांकि ये चीज़ नहीं है जो एक डेवलप्ड फाइनेंशियल सिस्टम होता है और जो इमर्जिंग मार्केट्स में नज़र आता है उसमें बैंकों के साथ साथ ये जो फाइनेंस कंपनीज़ हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं उनका रोल बहुत पॉजिटिव होता है लेकिन ज़ाहिर है उनकी रेगुलेशन जो होती है रेगुलेटरी बॉडीज़ जो होती हैं और दूसरे उनके अपने वो होते हैं जो बैंकों से हटके होते हैं लेकिन ये लोग आपस में जब कलबरेट करें तो ज़रूरत जो है कि इन अपॉर्चुनिटीज़ को इन करने की लोअर सेगमेंट ऑफ़ द मार्केट लोअर सेगमेंट ऑफ़ इनकम ऑफ द पापोलेशन तो यहाँ पर फाइनेंस कंपनी और जो रिटेलर्स जो हैं इनका रोल अहम हो जाता हो जाता है क्योंकि देखें ये जो रिटेलर्स हैं और ये जो फाइनेंस कंपनीज़ हैं इनका जो एक डेडिकेटेड कस्टमर बेस होता है उसको अगर एक बैंक डायरेक्टली एक्वायर करने जाए तो वो उनके लिए बहुत कॉस्टली होगा तो इनके साथ जब वो सलेब्रेट करेंगे जब इनके साथ वो एक तरह से कम्बाइन होंगे और अपने स्ट्रेंथ्स को और अपने रिसोर्स को पूल करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि उनको ओ आप कह लें कि कॉस्ट इफेक्टिव बेसिस पे एक इनडायरेक्टली कस्टमर बेस अवेलेबल हो जाएगी तो इसलिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि बैंक्स जो है वो सिर्फ अपने दायरेकार से बाहर भी देखें अगर पाकिस्तान में ये चीज़ अभी नहीं है कॉन्सेप्ट रिटेल स्टोर्स का या चेन ऑफ स्टोर्स का या फाइनेंस कंपनियों का लेकिन जरूरत इस चीज़ की है कि ये डेवलपमेंट जब होगी तो बैंक को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए और इनक्रेज करना चाहिए और ऑबियसली विद इन दी रेगुलेशन परमिटिंग फ्राम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज अदर रेगुलेटरी बॉडीज के बैंक किस किस के साथ किस हद तक कोलोबरेट कर सकते हैं यहाँ जो मैंशन करना जरूरी है कि जैसे जो टेलीफोन uh, कंपनी जो मोबाइल की हैं उनका एक बहुत अमल दखल हो गया है इस हवाले से एमरजिंग मार्केट्स में इसको भी हम आगे चल के थोड़ा डिस्कस करेंगे और पाकिस्तान में पिछले दिनों एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है विद दी अप्रूवल ऑफ द रेगुलेटरी बॉडीज एक मेजर टेलीफोन जो मोबाइल टेलीफोन ऑपरेटर हैं उन्होंने एक जो बड़ा एक्टिव माइक्रो फाइनांस का इंस्टीट्यूशन था उसके अंदर स्टेक अपना एक तरह से डाला है उनकी एक ली है और इसका मकसद यह है कि ये जो एक पहला एग्जाम्पल पाकिस्तान में सामने आया इस किस्म का कि इस कॉलोब्रेशन से एक तरह से नई अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए नए एग्ज़ाम्पल्स और लोगों के लिए नई एवेन्यूज़ खुलेंगे और ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर है वो भी किस हद तक रिस्पॉन्ड करता है इस नीड्स को अच्छा यहाँ जब इस चीज़ की हम बात डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ्स की उसकी करते हैं तो जरूरत इस चीज़ की है जो क्रेडिट इसेसमेंट है इट्स ए टेक्निकल जॉब इट्स ए प्रोफेशनल जॉब बैंक शुड ऑबियसली सजेस्ट किया जाता है शुड नॉट आउटसोर्स दिस थिंग्स जहाँ जरूरत है कि वो कस्टमर एक्विजिशन के लिए कस्टमर बेस बनाने के लिए रिटेलर्स हैं या स्टोर्स हैं उनका हेल्प लें लेकिन ये जो एरिया है इसको वो अपने हद तक महदूद रखें जब ये डिस्ट्रीब्यूशन इस किस्म की होगी और एक्चुअली जो डिलीवरी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स की जब हम बात कर रहे हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि बैंक ने फिर अपनी ब्रांचेस पर रिलाई करना है बल्कि जो दूसरे चैनल्स हैं उससे भी फ़ायदा उठाना है और ये जो एक चेंज हैं और ये जो एक प्लेयर्स हैं इस पूरे उसके अंदर रिटेल आप कह लें कि जो सेक्टर में इनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं जो उसको कंबाइन करके बैंक इनसे एडवांटेज ले सकती है तो लैंडिंग कैपेबिलिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो इसमें ज़रूरत है कि इकनॉमिकली एफिशेंटली और वो जो कि कंज्यूमर को एक्सेप्टेबल हो वो चीज़ आप करें इस कोलोब्रेशन के साथ इसमें सिर्फ वो आस्पेक्ट नहीं होना चाहिए कि बैंक ने सिर्फ अपना एंगल प्रॉफिट का या उसका देखना है लेकिन जब आप इस तरह कंबाइन करके आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसका आपकी रीच भी बढ़ जाएगी और वो जो पोटेंशियल है कंज्यूमर बैंकिंग का वो भी एक तरह से आपके सामने आएगा अच्छा इसके साथ साथ जो इसमें एक चीज़ और देखी गई है और जो कि इन एमरजिंग मार्केट्स के अंदर एक्चुअली प्रैक्टिस भी हो रही है कि ज़रूरी नहीं है कि बैंक इसी गिवन सेटअप के अंदर अपने आप को वो करें बात बैंक को बिल्कुल अपने यहाँ अगर स्ट्रक्चर चेंज करने में या उनके सेटअप में दुशारी हो रही है तो वो एक डेडिकेटेड सेपरेट सॉर्ट ऑफ एंटिटी इस्टैब्लिश करते हैं सब्सिडरी इस्टैब्लिश करते हैं इन ऑर्डर टू केटर टू दीज थिंग्स ये भी जाहिर है पाकिस्तान में अगर इसकी अप्लीकेशन है अगेन इसको हमेशा मैंशन करना ज़रूरी होता है कि उसको गलत उस पर ना कॉन्स्ट्रूट किया जाए रेगुलेशन परमिटिंग जो मौजूदा पाकिस्तान का जो बैंकिंग लॉज हैं जो के दूसरे जो कंपनी ऑर्डिनेंस हैं और एस ए सी पी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मद्देनज़र नज़र रखे हुए और ये वो बॉडीज़ हैं जो कि अलहदुल्ल पाकिस्तान में काफ़ी एक्टिव हैं और उन्होंने भी जो स्टेप्स लिए हैं ये नहीं है कि वो लोग इस चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते या एंटिसपेट नहीं करते कि जो हमारे इर्द गिर्द जो फिनमना हो रहा है हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में और अगर हमने आगे बढ़ना है और पाकिस्तान का तो बैंकिंग सेक्टर वैसे भी बहुत कंसिडर किया जाता है इसकी बड़ी अच्छी हेल्दी रेटिंग है और बड़ा रिजिलियंट है और उसमें बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन जाहिर है इसमें रेगुलेटरी बॉडीज़ इंक्लूडिंग स्टेट बैंक का है और उसको बाकायदा अक्सर कोड भी किया जाता है एज ए सॉर्ट ऑफ रोल मॉडल तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए जब अगर इस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है तो रेगुलेशन को आप ओवरलुक uh, नहीं कर सकते इनमें बार बार कहा गया है कि जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के ये सारे जो आस्पेक्ट्स हैं उनको हमने मद्देनज़र रखना है क्योंकि तो जब आप कलोब्रेशन की बात करेंगे जब आप स्टोर्स की या फाइनेंस कंपनी के जो कॉन्सेप्ट को अगर पाकिस्तान में नहीं है लेकिन किसी और फॉर्म में आता है तो उसमें इन चीज़ों को बहुत उसी आपने अहमियत के साथ सामने रखना है इसको आप ओवर लुक नहीं करेंगे या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि जो के की जो रिक्वायरमेंट है या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की है क्योंकि अल्टीमेटली जिम्मेदारी बैंक की भी इस हवाले से होगी कि जी आपने इसमें क्या किया तो एक तो ये चीज़ ये हो गई उसके बाद साथ साथ ये देखा गया है कि बहुत सी जो ग्लोबल फाइनेंस कंपनियां हैं वो भी इसमें बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रही हैं वो जिनका डायरेक्ट बैंकिंग से ताल्लुक़ नहीं है लेकिन चूँकि बाहर के रेगुलेशन इस किस्म के हैं कि देयर आर सम समाइन्ट्स वो बड़ी इंडस्ट्रियल और मैनुफैक्चरिंग कंपनियाँ हैं लेकिन उन्होंने अपने डेडिकेटेड सेपरेट फाइनेंसिंग कैपिटल एंटिटीज़ बनाई हैं जो कि देयर ओन राइट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइनेंसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड उन्होंने अब ये किया है कि वो एशिया में बहुत एक्टिव हैं उन्होंने थाईलैंड में जो एक बहुत बड़ा मेजर आप कह लें कि वो जो चेन ऑफ स्टोर्स थी उनके क्रेडिट कार्ड्स की उन्होंने एक तरह से वो खरीद ली है फिर इंडिया में जो उनका मेजर बैंक है उनके साथ उन्होंने कोलोब्रेशन की है तो ये चीज़ें ये शो करती हैं कि इवन ग्लोबल अगर प्लेयर्स पाकिस्तान के जो कंज्यूमर बैंकिंग के जो कमर्शल बैंकिंग सेक्टर के जो वो हैं अगर वो इसमें रिस्पॉन्स अच्छी शो करें उनका जो अगर इस जो पाकिस्तान में नीड्स के हवाले से किसी को इनकार नहीं है कि कंज्यूमर बैंकिंग की नीड्स पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है तो वाई नाट अट्रैक्ट दोज फॉरन जिसमें आपको सबसे एडवांटेज होगी कि उनका एक तो कैपिटल यहाँ पर इंजेक्ट होगा आपकी इकोनॉमी के अंदर एक्टिविटीज बढ़ेंगी और एक हेल्दी जनरेशन होगी और उनकी जो एक्सपर्टीज़ है अकॉर्डिंग टू दलर अकॉर्डिंग टू अ लोकल रिक्वायरमेंट्स वो भी आपको प्रोफेशनल जो उनकी नॉलेज है वो हेल्प करेगी एंड इन अ वे इट इज गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प द होल बैंकिंग फाइनेंशियल एंड अवर इकोनॉमिक सेक्टर तो जो ये कोलोब्रेशन की जब हमने बात की तो हमें इस चीज़ के लिए ऊपर होना चाहिए और हमारी जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उसमें काफ़ी रिस्पॉन्सिव हैं अगर वो देखती हैं विदाउट जोटाइजिंग द इंटरेस्ट ऑफ द लोकल प्लेयर्स

तो इसको जब हम इस तरह देखेंगे तो फिर अंदाज़ा आपको होगा कि इसमें किस हद तक अच्छा इसमें जो ज़रूरत अहम है कि हमने जो बात की थी स्ट्रक्चरल चेंजेस की वो बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंजेस को लाए बग़ैर ये चीज़ आ, आ, आप कह लें कि पेरिफ़ेरल तरीके पर नहीं हो सकती या टम्प्रेरी बेसिस पे नहीं हो सकती इट्स गोइंग टू बी ऑन गोइंग प्रोसेस पाकिस्तान में ये देखा गया है जो पाकिस्तानी बैंकिंग जो सनारी है जो पाकिस्तानी बैंकिंग लैंडस्केप है क्योंकि ये कंज्यूमर बैंकिंग इन अ वे शुरू की गई है अर्ली 2000 में और इसके अंदर काफ़ी जो एक एक्टिविटीज़ बढ़ी थी जो अब के स्लो डाउन हो गई हैं इसके अंदर हमारी जो पॉपुलेशन की जो डेमोग्राफिक शिफ्ट्स हैं जो अर्बनाइजेशन है लाइक like इंडिया अगर हम बार बार उसकी मिसाल इसलिए देते हैं कि बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं और हमने उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है लेकिन हमने उससे बहुत से लेसन लेने जो आके इन शब अगर हमारा टॉपिक होगा हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि उसको देखते हुए हमारे बैंकों को भी प्रोएक्टिव अप्रोच लेनी चाहिए उनके अंदर फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए और इन अपॉर्चुनिटीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए हमने जब बात एनालिसिस की की हमने बात जब प्लानिंग की की तो जरूरत इस चीज़ की है यहाँ जो हमारे बिग प्लेयर्स हैं जिनके पास रिसोर्स हैं जिनके पास ह्यूज डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है फिजिकल ब्रांचेज हैं उनकी जब स्टडी की जाती है तो देखा यह जाता है कि मेजर ऑफ द ब्रांचेस फ्रेंकली आर नॉट इवन ऑन द ब्रेक इवन लेवल तो उन बैंकों के लिए ये इंसेंटिव है कि इस विशेष सर्किल को कि जो उनकी वो ब्रांचेस जो कि रूरल एरियाज में है जो ब्रेक इवन नहीं करती उनको किस तरह आप आ, अपनी उनकी इंप्रूवमेंट को उनकी परफॉर्मेंस को जो फाइनेंशियल है उसको किस तरह बढ़ा सकते हैं और जो ट्रैप है उनका जो विशेष सर्किल है नॉट टू ब्रेक इवन इसको किस तरह आप ओवरकम कर सकते हैं तो इन जब सब चीज़ों को मद्देनजर रखेंगे तो जो जिम्मेदारियाँ आप कह लें क्या या आप ये कह लें कि जो इनके ऊपर एक्सपेक्टेशंस हैं हमारे बैंक्स के साथ वो बहुत बढ़ जाती हैं और उसमें अब तो चूँकि प्राइवेट सेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है बैंकिंग के अंदर वो बहुत ज़्यादा है और स्टेट बैंक की रिपोर्ट में भी अगर आपको याद हो हमने इस चीज़ को हाईलाइट किया था क्योंकि अब बैंकिंग इन अ वे एक्सेप्ट जस्ट वन बैंक इज़ इन द प्राइवेट हैंड्स और प्राइवेट हाथ में जब कोई भी इंडस्ट्री होती है तो उनके पास फ्लैक्सिबिलिटी होती है उसके अंदर फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग होती है और उसके अंदर दूसरे प्रेशर्स नहीं होते जो कि बज दफ़ा जो कि पब्लिक सेक्टर के अंदर होते हैं तो ये एडवांटेजेस उनके साथ हैं ज़रूरत इस चीज़ की है को तो अपने इदारों के अंदर कल्चर चेंज ले के आए इस्टचर चेंज ले कर और इस जो एमरजिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनको उन करने की कोशिश करें ये जब हमने देखा तो इससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ होगा ये बहुत एक वाइडर हमने व्यू लिया है कंज्यूमर बैंकिंग अपॉर्चुनिटीज़ का इन द इमरजिंग मार्केट्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इसको किस तरह एक्सपेंड करते हैं तो अब आगे चल के हम थोड़ा सा डिटेल में इस सेक्टर के और इस सेक्टर से जो रिलेटेड चीज़ें हैं उसको डिस्कस करेंगे और इंडियन बैंकिंग लैंडस्केप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंज्यूमर बैंकिंग भी हम आपके साथ शेयर करेंगे तो टिल सच टाइम एक जो इसको हमारे पास टॉपिक है जो हमने आपको अगर याद हो एक उसमें किया था फाइनेंस से रिलेटेड है और लेट्स स्पेंड फ्यू मिनट्स ऑन दिस एज वेल वो ये है कि फूड ऑफ थॉट फाइनेंस के हवाले से वट इज़ दैट फूड ऑफ थाट हमने एक लेक्चर में आपको फूड ऑफ थाट ये दिया था कि ये जो फाइनेंस है ये क्या चीज़ है क्या ये इट्स लाइक ए जंक फूड और लाइक ए इम्पॉर्टेंट एलिमेंट वी हैव इलेक्ट्रिसिटी तो उसमें यही बात तय हुई थी एक जो स्कूल ऑफ थॉट है वो कहता है इस द जंक फूड इट्स नॉट नेसेसरी लाइक क्योंकि ये एक वो जंक फूड जो होता है जो एक हैबिट्स हो जाती है बैड हैबिट्स होती है इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती तो ये जो एक स्कूल ऑफ थॉट है और उसमें जिन आ, जो एक इकोनॉमिस्ट हैं जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं जो कि पहले आई के अंदर उनके इकोनमिस्ट थे और इसका आप बहुत एक्टिवली इस मौजूदा फाइनेंशियल सिस्टम के बहुत आप कह लें कि प्रोमिनंट क्रिटिक हैं वो इस चीज़ को कहते हैं कि जी ये जो मौजूदा फाइनेंशियल सिस्टम है इसके अंदर बहुत फ्लॉज हैं और इसके अंदर बहुत खामियां हैं और अगर इन खामियों को आपने अटेंड नहीं करना नज़रअंदाज नहीं करना तो ये जो मिड टू थाउजेंड सेवन का क्राइसिस सामने आया था फाइनेंशियल जिसने सारी दुनिया को लपेट में ले लिया ये दोबारा आ सकता है उनको इस चीज़ का भी अब खदशा है कि अगर रिकवरी सामने आ रही है तो जो फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स इनवे uh, इंट्रोड्यूस हो रहे थे कि कहीं दोबारा उनके अंदर से फोकस हट ना जाए तो ये इस फूड ऑफ थाट में आप देखेंगे कि पहला वो ये कहते हैं कि जी आम तसुर ये है कि जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है और उसका ग्रोथ में को रिलेशन है ये जो स्कूल ऑफ थाट है या ये पर्टिकुलर ये जो प्रोफेसर हैं एम आई टी के ये कहते हैं कि ये जो ख्याल है ये गलत है इसके अंदर जब वो मिसाल देते हैं कि जब आप फाइनेंशियल सेक्टर की बात करते हैं इन रिलेशन टू जीडीपी कि जी इतने जीडीपी का हिस्सा है ये पहला उनका आर्गूमेंट है तो जो इस ग्रोथ के नज़रिए को निगेट करता है वो कहते हैं वो तो सिर्फ एग्रीगेट का हिस्सा बनाते हैं अब ये कहाँ कहते हैं कि ये जो एग्रीगेट है या ये जो नंबर्स हैं ये एक्चुअली जीडीपी ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं उनका कंटेंशन उनका व्यू पॉइंट ये है कि ये सिर्फ एग्रीगेट हैं कि जी सर्टन परसेंटेज ऑफ से द क्रेडिट

दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग व्यू ऑन दिस और वो कहते हैं कि आठ से अगर चार भी हो जाएगा उनके ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा दूसरा जो उनका आर्गूमेंट है फाइनेंस के हवाले से और इन फ्रांस के इस मौजूदा फाइनेंशियल सिस्टम के अगेंस्ट एक चीज याद रखिए उसमें भी हमने आपको बताया था कि वो फाइनेंस को पर से निगेट नहीं करते वो कहते हैं कि फाइनेंस का जो इंटरमीडियरी का फंक्शन है कि ये बॉरवर्स को सेवर्स को एक तरह से साथ लेके आते हैं और हेल्प करते हैं इकॉनमी को वो वो अपनी जगह है उससे किसी को इनकार नहीं है लेकिन वो ये कहते हैं कि इस सेक्टर ने जो क्राइसिस के दौरान सामने चीज़ आई इनका साइज बिकेम टू बिग वो हम तीसरा पॉइंट को डिस्कस करेंगे दूसरा इनका पॉइंट है वो कहते हैं कि जो ग्रोथ का और फाइनेंस का को है कॉजेशन नहीं है ये जो हम दूसरे पॉइंट या इन अ वे आप कह लें कि ये जो जो क्रिटिसिज्म है इसमें यह है कि वो ये कहते हैं कि ये कोरिलेशन है ये जो रिचर्ड कंट्रीज में जो ज़्यादा फ्लोज होते हैं जीडीपी की तरफ इट डज़ नॉट मीन कि वो कॉज करते हैं जीडीपी डी पी की उसको उनका ख्याल ये है कि ये जो जीडीपी की ग्रोथ है और जो फाइनेंस इसका कोरिलेशन जरूर है लेकिन ये उसकी वजह नहीं है कि फ़ाइनांस की वजह से जी बढ़ती है तो ये इनका एक दूसरा बड़ा स्ट्रॉग कह लें कि पॉइंट व्यू से एक आर्गूमेंट है और उनका ख्याल है कि ये जो चीज़ है मिस लीडिंग है और लोग समझते हैं कि जो फाइनेंस का जो सेक्टर है अगर वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है तो इट इज़ एडिंग टू द वो कहते हैं इसमें कोई लीनियर जो है ना लिंकेजेस नहीं है कि अच्छा जी फाइनेंस सेक्टर अगर इम्प्रूव कर रहा है ग्रो कर रहा है उसके नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं तो आपकी जीडीपी भी बढ़ रही है बहरहाल इनका अपना नजरिया है और प्रस्पेक्टिव uh, के हवाले से ये कहा जाता है कि ये एक है और इसका यह मतलब नहीं है कि ये गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं लेकिन ये एक परस्पेक्टिव है और एट द मोमेंट इसकी काफ़ी जो वो है और ये जो जिन ऑथर जो एम के प्रोफेसर हैं इनका ब्लॉग भी है बेस लाइन के हवाले से और जब हैंड आउट जो आपको मिलेंगे उसमें इसका रेफरेंस होगा लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ कंज्यूमर बैंकिंग एज ए स्टूडेंट ऑफ बिजनेस ये मैं आपसे एक तरह से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस ब्लॉक को आप ज़रूर विज़िट करें और इसके अंदर जो इसकी ब्यूटी ये है कि इसके अंदर जो बहुत सारे फाइनेंशियल टर्म्स हैं उनको ले के हवाले से एक्सप्लेन किया गया है फाइनेंशियल आस्पेक्ट्स को फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को और इसका जो कॉन्सेप्ट ये है कि इसको जो आम आदमी जिसको फाइनेंस और बैंकिंग का नहीं पता वो भी इस चीज़ को समझ पाए तो ये बहुत रिच सोर्स है फॉर uh, अंडरस्टैंडिंग ऑफ़ द फाइनेंशियल बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अफेयर्स और जो अगर इसको जो रेगुलरली फॉलो करता है उसकी आप कहते हैं बड़ी एनरिचमेंट होती है उसकी लर्निंग के अंदर तो एक तो उनका दूसरा जो क्रिटिसिज्म ये है तीसरा उनका क्रिटिसिज्म ये था कि ये कहा जाता है कि जी नाव फाइनेंस इज़ टू बिग टू फेल जो पिछले दिनों अमेरिका के चंद बड़े बैंकों को बेल आउट किया गया और उसके अंदर ये आर्गूमेंट दी गई गवर्नमेंट की तरफ से ख़ास तौर पर जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई कि जी टू बिग टू फेल के जी अगर फेल हो गया तो पूरी इकानी को कर जाएगी वो कहते हैं कि ये भी एक उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक फैलेसी है वो कहते हैं कि जी ये क्या बात हुई कि आप किसी का साइज़ इतना बड़ा हो जाए कि वो आपके लिए बर्डन बन जाए और फिर तो वो आपको हॉस्टेज बना लेते हैं फिर वहाँ पर बड़ी पोलिटिकल कंसड्रेशन भी आ गई कि अच्छा जी जो इनका साइज़ बड़ा हो जाता है तो उनका पोलिटिकल क्लाउड बन जाता है और उस चीज़ को फिर वो लोग एक्सप्लॉयट करते हैं तो टू बिक टू फेल का जो एक तीसरा जो उनका क्रिटिसिजम है वो उसको बाय नहीं करते वो कहते हैं जी ये चीज़ जस्टिफाइड नहीं है और ये कैमा फ्लॉच करती है वीकनेसिस को और उसका सिर्फ साइज का बड़ा होना इस चीज़ की एक तरफ से वो नहीं है गारंटी कि एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल और ये मिड uh, 2007 थाउजेंड एक क्राइसिस और सब्सिक्वेंट इवेंट्स ने इस चीज़ को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूव किया और एविडेंस ऑन ऑल रिकॉर्ड के साइज़ ही की वजह से बहुत सारी खराबियाँ पैदा हुई लेकिन इस क्रिटिसिज्म के साथ साथ तो वो कहते हैं कि जो लोग जो उनके फेवर में वो कहते हैं कि जी ये फाइनेंशियल इनोवेशन लेके आते हैं फाइनेंशियल इनोवेशन से जो होता है कि जी सोसाइटी को फ़ायदा होता है तो इस पॉइंट पे भी उनका बहुत स्ट्रॉग आर्गूमेंट है वो कहते हैं कि नहीं जी मेरे पास जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि जी मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि फ़ाइनेंशियल इनोवेशन ने एक्चुअली पॉपुलेशन की वेलफेयर में हेल्प की हो या एक्चुअली कोई कॉन्ट्रीब्यूट किया हो उसमें वैल्यू एडिशन में तो यहाँ पर फाइनेंशियल इनोवेशन को भी वो बहुत क्रिटिकली ले दे, देख देखते हैं और बल्कि वो ये कहते हैं कि ये फाइनेंशियल जो इनोवेशन की गई हैं इसमें सिर्फ मखसूस जो इंडस्ट्री के प्लेयर थे उनको फ़ायदा हुआ उनके अपने बेनिफिट्स हुए जिसमें जाहिर है आपको पता है कि जो इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बात हुई सिक्योरिटाइजेशन की बात हुई और दूसरे जो सब मॉर्गेज के हवाले से जो क्रेडिट डेट सॉप्स की बात हुई कि ये वो जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स थे एक मखसूस तबके की बेनिफिट के लिए थे इसमें आम पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो यहाँ पर जब हम फाइनेंशियल इनोवेशन की बात करते हैं तो आइए हम ये एक अल्टरनेट व्यू भी लें कि जो फेवर में कहते हैं कि जी फाइनेंशियल इनोवेशन क्या है वो कहते हैं कि जी फाइनेंशियल इनोवेशन ने किसी हद तक क्रेडिट के जो एरिया को जो है ना एक तरह से डेमोक्रेटाइज़ कर दिया है कि जैसे डेमोक्रेसी होती है ना क्रेडिट हैज़ बीन मेड अवेलेबल ड्यू टू फाइनेंशियल इनोवेशन सो दैट वो लोग जो पहले जिनके पास रिसोर्स नहीं थे वो अवेल नहीं कर सकते थे वो भी अब करते हैं तो उनका ख्याल ये है कि क्रेडिट फाइनेंशियल इनोवेशन ने इस चीज़ को एक आम आदमी तक पहुँचाने में मदद की है तो और इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि अगर फाइनेंशियल इनोवेशन की वजह से वो जो कंज्यूमर्स हैं वो स्मूद आउट कर देते हैं अपनी कंजम्पन्स और जो इम्पैक्ट होता है एक डाउन का इतना नहीं होता तो ये फूड ऑफ थाट इस कुछ ख्यालों के साथ अब हम इस लेक्चर के आखिर में आते हैं और इन हमारे अगली लेक्चर में कोशिश होगी कि हम आपके साथ इंडियन बैंकिंग कंज्यूमर लैंडस्केप को जो डिस्कस करें और उसके बाद जो हम आ, जो एडिशनल फोर बिलियन की जो बात हो रही है उसको भी हम तस्वीर से डिस्कस करें तो टिल सच टाइम